हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक 3 BHK टू स्टोरीड हाउस प्लान। फ्रेंड्स, ये जो प्लान है ये इरेगुलर शेप में है, क्योंकि इसका जो प्लॉट था वो प्लॉट ही इरेगुलर शेप में था। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। प्लॉट के डायमेंशन देख लीजिए, 3 फीट छोड़ के जितना भी स्पेस था उस स्पेस में हमें कंस्ट्रक्शन करना था, क्योंकि प्लॉट के जो ओनर थे वो चाहते थे कि मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज किया जाए। सो फ्रेंड, इसलिए इस वजह से इस प्लान को इस तरह से बनाया गया। ये प्लान की ग्राउंड फ्लोर है और ये प्लान की फर्स्ट फ्लोर है। फ्रेंड्स, बिल्डिंग के इस पोर्शन का जो मेजरमेंट है वो है 15 फीट 8 इंच नॉर्थ साउथ की, और नॉर्थ की है 23 फीट 1 इंच एंड ईस्ट की 29 फीट एंड वेस्ट की 28 फीट। टोटल बिल्टअप एरिया होता है 550 स्क्वायर फीट। अगर इस प्लान को 2021 में एग्जीक्यूट किया जाए मार्बल फ्लोरिंग के साथ, तो इसका एस्टिमेट लगभग 16,50,000 रुपये आता है। ये प्लान की ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से एंट्रेंस दिया गया है। प्लान में एंटर करते ही सामने हमें एक स्टेयर मिलता है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की ओर ले जाता है। यहाँ पे फ्री स्पेस है, यहाँ पे एक सिंक लगाया गया है। इस स्पेस को हम लोग डाइनिंग के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ओपन किचन दिया गया है जिसकी लेंथ है 10 फीट 6 इंच, काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है, टॉयलेट की साइज है 6 फीट x 7 फीट 8 इंच। और यहाँ पे इस प्लान के फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, बेडरूम की साइज है 10 फीट x 10 फीट। स्टेयर के माध्यम से हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पे फ्री स्पेस मिलता है, यहाँ पे एक विंडो मिलता है, यहाँ पे हमें फ्री स्पेस मिलता है, यहाँ पे हम लोग सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक सिंक दिया गया है, यहाँ पे भी एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है। टॉयलेट की साइज सेम है, 6 फीट x 7 फीट 8 इंच। यहाँ से हम लोग इस प्लान के सेकंड बेडरूम में चलते हैं। ये बेडरूम इरेगुलर शेप में है, सामने की तरफ 8 फीट 6 इंच, इधर में 10 फीट और नीचे में 11 फीट 2 इंच है। और यहाँ से हम लोग इस प्लान के थर्ड बेडरूम में एंटर करते हैं जिसकी साइज है 9 फीट 7 इंच x 10 फीट। इस स्टेयर के माध्यम से हम लोग इस प्लान के टेरेस पे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लान बनने के बाद कुछ इस तरह से कुछ घर का लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। ये प्लान बनने के बाद ये घर के सेक्शन प्लान है। यहाँ पे फुटिंग डिटेल्स दिया गया है और यहाँ पे साइट प्लान है। ये टोटल एरिया है और ये हैचिंग पोर्शन, ये बिल्टअप एरिया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।